सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे अदानी एंटरप्राइज के बारे में। पिछले कुछ दिनों से यह स्टॉक एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। इसके पीछे बहुत सारे न्यूज़ भी आए, कुछ खराब न्यूज़, कुछ पॉजिटिव न्यूज़। जो पॉजिटिव न्यूज़ है वह एविएशन मिनिस्ट्री साइंस MOU विद अदानी ग्रुप फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ देयर 3 एयरपोर्ट। नाउ लास्ट ईयर अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप ने लखनऊ, अहमदाबाद एंड मैंगलुरु एयरपोर्ट का भी अपडेट किया था। नाउ आने वाले टाइम में वो जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के भी अपग्रेडेशन में काम करेंगे। इस न्यूज़ के आने के बाद हमने अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक में थोड़ा बहुत अपसाइड देखा है। अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में ही हमने अपसाइड देखा, क्योंकि सभी स्टॉक को लेकर कुछ ना कुछ न्यूज़ है। अभी प्रेजेंट प्राइस है 1477। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम देखें तो अदानी एंटरप्राइज एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत सारे बिजनेस में इंक्लूडेड है। नाउ ये माइनिंग में बिजनेस में भी है, उसी के साथ साथ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के बिजनेस में। इसका प्रेजेंट मार्केट कैप 1,62,260 करोड़ है। प्रेजेंट प्राइस नियर अबाउट 1,480, 52x हाई से इस स्टॉक ने करेक्शन तो दिया है, क्योंकि यह स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन 52x लो से यह स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड निफ्टी जिस तरह से स्ट्रांग खड़ा हुआ है, आने वाले टाइम में उतना ज़्यादा करेक्शन हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अदानी ग्रुप के अगर सबसे वोलाटाइल कोई स्टॉक है वो अदानी एंटरप्राइज है। हमेशा से ये स्टॉक रहा है, यानी इससे अपने इन्वेस्टर को भी डिसअपॉइंट नहीं किया। स्टॉक का पी 125 है, रिटर्न ऑन कैपिटल 8.69, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.31। हालांकि स्टॉक के वैल्यूएशन को जस्टिफाई तो नहीं करता, लेकिन इट्स ए एक्सपेंसिव स्टॉक एंड इट विल ऑलवेज रिमेन एक्सपेंसिव अंटिल बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ नहीं आता। अगर सेल्स देखे सो 12,579 करोड़ है, जो कि मार्च से थोड़े खराब है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 796 करोड़ है, जो कि दिसंबर से अच्छे है। मार्च का रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 380 करोड़, जो कि 296 करोड़ से ज़्यादा है कंपेयर टू मार्च, क्योंकि इनका अदर इनकम बढ़ा है 152 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव 16 करोड़ था। टोटल प्रॉफिट जो है 271 करोड़ अगेंस्ट 234 करोड़ ड्यू टू अदर इनकम, इनका बहुत ज़्यादा बड़ा है। हालांकि सबसे अच्छा रिजल्ट कंपनी सितंबर 2020 में दिया था, उसके बाद दिसंबर मार्च से भी क्वार्टर खराब नहीं रहे। तो रिजल्ट वाइज, परफॉर्मेंस वाइज कंपनी का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है। स्टॉक का CAGR प्राइस बहुत अच्छा है, 5 ईयर्स में सेल्स 3% बढ़ा है, प्रॉफिट 5 ईयर्स में 1% बढ़ा है। लेकिन अगर CAGR प्राइस को देखें 10 ईयर्स में 23%, 5 ईयर्स में 98%, यानी लास्ट 5 साल में जिस लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उनको ईयर ऑन ईयर 98% का रिटर्न मिला है, एंड 1 ईयर का 417%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 6-7% के बीच है। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें, प्रोमोटर्स को आज नियर 75% स्टेक है, DII FI को मिलकर 20% के ऊपर। FI बहुत ज़्यादा बुलिश है, 19.65% का स्टेक है। DII के पास 2.14 एंड पब्लिक होल्डिंग 3.29। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस, अदानी एंटरप्राइज, इन सारे कंपनीज में पब्लिक होल्डिंग बहुत कम है एंड FII का होल्डिंग ज़्यादा है, जो कि थोड़ा बहुत रिस्की फैक्टर है, क्योंकि लोअर सर्किट अगर लगता है तो रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो सकते हैं। फिर भी अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप किसी भी स्टॉक में किसी भी प्राइस में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इसको ट्रेड करना पड़ेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।